फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है उसी का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन स्थितियों में ज्ञात करते हैं, और हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में काउंट किया था। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का यह टॉपिक। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, निश्चित ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आप बने रहें एमएस टीम एजुकेशन के साथ। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि कितना होगा। यदि हम सपोज कर लें, मान लें कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। तो माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, चलिए यहां पर हम लिखते चलते हैं, यहां हम लिख लेते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव को हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर हम मान लें कि यही आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, और इनके बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है, ये L, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस की आवेश और यहाँ पर प्लस की आवेश। तो यही वैद्युत द्विध्रुव को, यानी कि यही जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसी को एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसके क्षेत्र के दिशा से थीटा को कर देते हैं। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यह आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम है बी, और यहां पर जो आवेश है यह है माइनस क्यू आवेश, यानी इसको बल्कि यही लिख दे रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश और यहां पर है प्लस क्यू आवेश, और इनके बीच की कुल दूरी कितनी होगी। तो इनके बीच की कुल दूरी आप निकालेंगे तो देखेंगे कि कितनी हो जाएगी, 2L होगी। 2L इनके बीच की कुल दूरी, 2L इनका मध्य बिंदु वो होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए ये थीटा कोण पे कार्यरत है, तो हम लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पे, थीटा कोण पर। यह ए है, यह बी है, यहां से अगर हम एक लंब डाल दें, इसका नाम हम दे दे रहे हैं एन, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने यहां से एक लंब डाला और ध्यान देंगे कि यहां पर माइनस क्यू आवेश है, तो इस माइनस क्यू आवेश पर कितना बल काम करेगा और इस प्लस क्यू आवेश पर कितना बल काम करेगा। तो इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल ये एफ टू हो जाएगा, और इधर के तरफ जो बल काम करेगा ये आपका हो जाएगा एफ वन। क्यों होगा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यह पहला आवेश है तो यहां पर पहला बल होगा,
यह दूसरा आवेश है तो यहाँ पर दूसरा बल होगा, और ये वाला आवेश कौन सा है, तो ये वाला आवेश आपका प्लस क्यू है, और ये वाला आवेश कौन सा है आपका, तो ये आवेश आपका माइनस क्यू है। तो ध्यान ये देना है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर जो बल निकाले थे हम लोग, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो E = F/Q या Q0 निकला था। तो अगर इसको यहाँ पर लेकर के चले जाएंगे या F का मान यहाँ से निकालेंगे तो F का मान हो जाएगा आपका, तो F का मान अगर हम लोग निकालेंगे कि F का मान कितना होगा, तो E × Q0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, और F/Q0, तो अगर यहाँ से हम लोग F की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, E × Q0। अगर इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो प्लस क्यू। तो F1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर चूंकि ये तो क्यू आवेश था ना, माइनस क्यू आवेश था, तो यहाँ पर कितना काम करेगा, तो F1 = -E × Q, और इधर की तरफ F2 का मान निकालेंगे तो E × Q। अब ध्यान दीजिए, यह थीटा कोण पर कार्यरत है, तो थीटा यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इस ट्वेल का ये घटक लंबवत होगा और ये वाला क्षैतिज होगा, तो इसको निकाल देंगे तो 2L sin θ, और नीचे वाला 12 का थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 12 है, और लंबवत घटक हमेशा साइन होता है और क्षैतिज घटक हमेशा कॉस होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत दो बल यानी कि रखा गया है, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत दो बल F1 व F2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हैं। यह बल इधर के तरफ कार्यरत है और यह बल इधर के तरफ कार्यरत है, तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत दो बल F1 व F2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। जब ये विपरीत है तो ये दोनों मिलकर के बलयुग्म बनाएंगे, विपरीत है अतः ये बलयुग्म बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, और जब ये बलयुग्म बनाएंगे तो ये एक दूसरे को घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे, यानी कि सॉरी ये इस द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे। जब ये दोनों बलयुग्म बना दिए, बलों का जोड़ा एक इधर और दूसरा उधर, तो जब इसी को मान लीजिए कि अगर यही है ऐसे, एक को पकड़ के ऐसे और दूसरे को मान लीजिए कि दूसरे को पकड़ कर ऐसे, तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो उस कंडीशन में इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा, तो यहाँ पर बलयुग्म का आघूर्ण बनेगा और यह द्विध्रुव जो है घूम जाएगा, तो उस कंडीशन में विपरीत है, ये बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः अब हम लोग निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, और आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ बराबर होता है इन दोनों बलों में से कोई भी एक बल का परिमाण लेंगे और इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इस और ये बल इधर है और यह बल इधर है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी एक बल का परिमाण गुणे बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, तो tau = किसी एक बल
का परिमाण, चाहे यहाँ एफ वन का मान ले ले चाहे एफ टू ले, कोई भी ले सकते हैं, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। ये तो बस ये दिशा को दर्शा रहा है कि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एफ वन इन टू बीच की लंबवत दूरी कितना है, तो टू एल साइन थीटा। अब एफ वन का मान हम लोग लिख सकते हैं कि एफ वन का मान होता है, लीजिए हम चिन्ह के साथ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ई इन टू क्यू टू एल साइन थीटा। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि टू क्यू एल, और इसमें माइनस को भी ले सकते हैं हम लोग, चूंकि जानते हैं कि माइनस टू क्यू एल बराबर, चाहे टू क्यू एल बराबर ये स्मॉल पी वैद्युत द्विध्रुवीय गुण पी होता है, चाहे माइनस ले चाहे प्लस ले, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब देख लीजिए इतना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी इन टू ई साइन थीटा। हम लोगों ने क्या निकाला कि टाउ बराबर पी इन टू ई साइन थीटा। और यही जो इक्वेशन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है। अब तो ये हम लोगों ने फार्मूला बना लिया। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं, और स्थितियां क्या हैं, यदि पहला नंबर, पहली स्थिति है इसकी, हम लोग लिख सकते हैं इसकी कुछ कंडीशन है। स्थिति नंबर एक, यदि थीटा बराबर 90 है, चाहे थीटा बराबर 0 से ही हल कर ले पहले, यदि थीटा का मान 0 रखें तो टा बराबर पी इंटू ई और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर इसी द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख देंगे तो कोई भी टोर्की उसके ऊपर नहीं काम करेगा, कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अर्थात जैसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी में अगर उसको इसको उठा करके ऐसे रख दें तो उसके ऊपर कोई भी आघूर्ण नहीं उत्पन्न होगा। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर 90 रखेंगे तब कंडीशन क्या बनेगी, चलिए यहां लिख देते हैं दो नंबर में थीटा बराबर 90। तो जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो टाउ बराबर पी इंटू ई और साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो एक होती है, तो टाउ बराबर पी इंटू ई, और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम टाउ बराबर पी इंटू ई, तो ये मैक्सिमम। यानी कि जब इसको अगर थीटा का मान, यानी कि थीटा बराबर 90 रखेंगे तो आघूर्ण का मान ये पी इंटू ई यानी कि मैक्सिमम के बराबर आएगा। अब देखिए एक और कंडीशन हो सकती है, थीटा बराबर 180 रख करके निकालेंगे तब भी हमारा मान 0 ही निकलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, तो टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा। तो विद्यार्थियों इसको आप नोट कर लीजिए, और यदि आपको इसमें कहीं नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने दोनों स्थितियों में देख लिया, आप लोगों ने नोट भी कर लिया, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि तीसरा भी बता दीजिए, तो लीजिए तीसरा भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन नंबर में थीटा बराबर 180 रख लीजिए, क्या दिक्कत है, तो टाउ इज इक्वल टू पी आई इंटू ई साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है, तो टाउ बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि 180 का मान 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अब उस कंडीशन में हम लोगों ने इसको देख लिया, और इस लेसन में चूंकि पुरानी किताबों में जो पहले जो सिलेबस था थोड़ा सा बड़ा था, अब एनसीईआरटी पैटर्न में अब इससे ज्यादा नहीं दिया है। तो अगर आप कमेंट करेंगे और भी इसमें कुछ जानना होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे का वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो आज इसको बस हम लोग समाप्त करते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि हम लोग प्रश्न बनाना सीख लें। तो आप इसको नोट कर लिए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आंकिक प्रश्नावली में पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन और बड़ा सटीक और बेहतरीन क्वेश्चन है ये।
एक चालक पर 14.4 × 10⁻⁹ सॉरी -19 है, -19 कूलाम का धन आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिए कि किसी भी चालक पर, किसी भी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर अगर धन आवेश है, यदि धन आवेश है किसी भी वस्तु के ऊपर, अगर हम मान लेते हैं सपोज कि यह सोडियम है और इस सोडियम के ऊपर एक प्लस आवेश है, तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि कमी है, और यह क्लोरीन है और इसके ऊपर माइनस आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि कमी है। तो पहले इसको समझिए, क्योंकि इसमें कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो देखिए, किसी भी पदार्थ, किसी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व के ऊपर अगर धन आवेश होगा, जितने धन आवेश होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और किसी भी तत्व के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन ऋण में होंगे उतने ही, यानी कि जितना आवेश उस पर ऋणात्मक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो जहां पर धन आवेश कहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, जहां पर धन आवेश बोलेगा वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जहां पर ऋण आवेश बोलेगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ये याद होना चाहिए, एकदम याद रखेंगे, जहां पर धन आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, जहां ऋण आवेश होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये बताइए कि एक चालक पर इतने कूलाम का धन आवेश है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता, तो इलेक्ट्रॉनों की यहां पर कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसको देखना है। तो देखिए, एक सूत्र होता है आवेश क्यू बराबर एन इंटू ई, आवेश क्यू बराबर एन इंटू ई, जहां क्यू आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यह जो है ई इलेक्ट्रॉन है, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ -19 कूलाम। चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखते हैं, और अगर प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन पर भी सेम ही आवेश होता है, और यहाँ पर प्लस लिखते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये इतना लिखते हैं। तो खैर देख लेते हैं हम लोग कि क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है कि एक चालक पर इतना कूलाम का धन आवेश है, आवेश का मान दे दिया है, क्यू बराबर कितना कहा है तो 14.4 × 10⁻¹⁹ कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। अब कह रहे कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, एन बराबर क्या, एन का मान पूछ रहा है, और ई का मान हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अभी हम बताए आपको इतना होता है, तो सूत्र वही रहेगा, क्यू बराबर एन ई, तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बटे में ई। तो विद्यार्थियों क्यू का मान कितना दिया है, 14.4 × 10⁻¹⁹ और बटे में ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ऊपर भी कूलाम होगा, नीचे भी कूलाम होगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इस 1.6 से इसको कटा देंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा 9, यानी कि 9 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, तो 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि अगर यहां पर माइनस रखेंगे तो माइनस यहां पर चिन्ह आ जाएगा, तब भी दर्शाएगा कमी कमी हो जाएगा। तो चूंकि इसको वैसे ना रखे, बस ऐसे इसका ई का मान यहाँ पर पुट करके और हम लोग निकाल लिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर कह दिया कि धन आवेश है, तो धन आवेश है तो क्या होगा, कमी होगी, तो 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आपका हो गया विद्यार्थियों आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया, और कहता कि इतने आवेश की कमी है तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, तो यहां पर कमी कह देता तो यहां पर क्या होगा, अधिकता होगी। तो
तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आपकी किताब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस आवेश पर आवेश की मात्रा था प्रकृति बतानी है। देखिए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा था प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान विद्यार्थियों क्या दिया है, 500। आप समझ रहे हो कि कितना दिया है इलेक्ट्रॉन, 500। और e का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, ठीक है। और पूछ रहा है कि आवेश की मात्रा q बराबर क्या, q बराबर होता है ni, q बराबर ni। तो n का मान कितना है, 500, और e का मान कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 में 500 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये गुणा करने के बाद से ये आपका हो जाएगा 16×80, यानी इतना गुणे 10⁻¹⁹ कूलम्ब, या इसको लिख सकते हैं 8.0 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। सॉरी, अब देखिए, इसको 8.0 लिखेंगे तो दो जीरो से इसका दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। अब देखिए, तो Q का मान निकला, लेकिन अब इसमें कहा है, ये तो इसकी मात्रा निकल गई इतना, अब यानी कि इसका मान निकल गया है, इसका कितना, इतना। अब कह रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो कमी के लिए हम क्या दर्शाते हैं, तो कमी है यहां पर, यानी कि जब किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर आवेश कैसा होगा, धन आवेश होगा। और यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दर्शाता है, धनावेश को, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर क्या दर्शाएगा, ऋणावेश। तो यहां पर क्या होगा, कौन सा आवेश होगा, तो Q बराबर 8.0 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब का धन आवेश होगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा की गणना करना है आपको। यानी कि जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के नाभिक में कितना आवेश होगा, उस आवेश की मात्रा बतानी है। तो ध्यान देंगे कि न्यूट्रॉन, जो आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि नाभिक में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो प्रोटॉन कैसा हो गया, धनावेशित। तो जब 7 नाइट्रोजन 14 में 7 घटाएंगे, यानी कि यहां पर प्रोटॉन का मान निकालेंगे, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो जब प्रोटॉन की संख्या 7 हो गई, तो अब कह रहा है कि इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो Q बराबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या n बराबर, प्रोटॉन की संख्या n बराबर इतना हो गया, तो Q बराबर होता है n × e, और n का मान कितना, 7, और e बराबर, देखिए, तो चूंकि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के लिए हम लोग p का मान जानते हैं कि p बराबर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना ही प्रोटॉन का भी मान होता है, आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो Q बराबर ni, ये तो सूत्र है, तो n का मान 7 है, और e के जगह पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, होगा तो प्रोटॉन होगा, तो e के जगह पर p रखेंगे और p की वैल्यू कितनी, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.6 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.12 × 10⁻¹⁹। अब इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा -18
और ये हो जाएगा गुलाम, यानी कि क्यू का मान कितना आ गया, इतना गुलाम। लेकिन ये किसमें पूछा है, नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो जब प्रोटॉन होगा तो आवेश कैसा होगा, का धन आवेश, क्या होगा, धन आवेश। आंसर हो गया, नाभिक में प्रोटॉन होता है, उसके बाहर जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कहा होता तो ऋण आवेश होता, लेकिन यह नाभिक में कहा है तो नाभिक में प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन पे धन आवेश, इसलिए इसका जो आवेश हो जाएगा कितना, धन आवेश इतना हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करते हैं, नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन पुनः हम लोग देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, और बाकी किसी भी किताब से आप ढूंढेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और विद्यार्थियों अब मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूं आपके लिए, कमेंट करोगे बताओगे कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, यदि आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कमेंट करेंगे, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और भी बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये छोटे भले ही हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि एमएस टीम हमेशा आपके साथ अच्छा करने का प्रयास कर रही है और आप अच्छा करें, इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0×10^-15 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए कि कितना होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, दो प्रोटॉनों के बीच का, दो प्रोटॉनों के बीच, तो अगर हम मान लें कि यहां पर पहला प्रोटॉन P1 और यहां पर दूसरा प्रोटॉन P2 और इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य की जो दूरी है R का मान R बराबर 4.0×10^-15 मीटर, ये इतना है। ठीक है, और यहां जब यह पहला प्रोटॉन है या दूसरा प्रोटॉन है तो आप जानते हो कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, चाहे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश 1 प्लस में होता है। अभी हम बताए हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा, प्लस में, प्लस 1.6×10^-19 कूलम। तो यहां का भी आवेश 1.6×10^-19 और यहां पर भी 10^-19 के ही रूप में ही होगा उतना ही, यानी कि दोनों बराबर होंगे। अब कह रहा है कि दोनों समान प्रकार के आवेश हो गए, जब यहां पर भी प्लस में, यानी कि यहां पर भी प्लस 1.6×10^-19 कूलम और यहां पर भी प्लस 1.6×10^-19 कूलम। अब बच्चों ये बताओगे कि ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेशों पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह कैसा होता है, तो वह रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और हम लोगों ने कूलम्स लॉ को पढ़ा था विद्यार्थियों कि कूलम्स लॉ, यानी कूलम का नियम क्या है, कूलम का नियम क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो कूलम के नियम से कूलम का नियम क्या कहता है, F=1/4πε₀Q1Q2/r²। तो इसके बीच कुछ दिया नहीं है, तो इस k का मान परावर्तन, k का मान एक रख लेंगे, तो जब एक रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y निर्वात मान करके हल कर लेंगे तो एक रख देंगे कैंसिल हो गया, और 1/4πε₀ का मान जानते हैं कि हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/4πε₀ का मान हम बताए थे शुरू में, वीडियो देखे होंगे आप लोग तो समझ में आया होगा कि इसकी वैल्यू होती है 9.0×10^9, इतना इसका मान होता है। तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं एफ का मान, तो इसका मान कितना रख दे, 9.0×10^9। अब इतना हो गया, Q1 और Q2 का मान निकालना है, तो Q1 माने पहला आवेश P1 और Q2 माने दूसरा आवेश P2, तो Q1 की जगह P1 और Q2 की जगह पर P2, तो यहां का मान इतना है और इसका मान इतना है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.6×10^-19 × 1.6×10^-19
और बर्थडे में कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और बीच की दूरी कितना है बच्चों, तो 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 और इसका कितना हो जाएगा वर्ग। अब देखिए इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो f इज इक्वल टू 9.0 इंटू 1.6 इंटू 1.6। हमने इसको 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 तीनों को एक जगह कर दिया। अब पावर वाले को हल कर लें थोड़ा सा, तो 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, 19 दूना के 38 और 38 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, देखिए ये माइनस 38 हो जाएगा 10 के घात और उसमें से ये इतना निकल जाएगा तो 38 में से 9 चला जाएगा तो 10 के घात कितना हो जाएगा माइनस 29, क्योंकि 30 और 8 38 यानी कि ये इतना हो गया। और बटे में 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, यानी कि 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि 16 हो गया। आ गुणे 10 के घात 15 का वर्ग कर देंगे तो घात का जब वर्ग करते हैं तो गुणा हो जाता है, यानी कि उसमें गुणा हो जाएगा तो ये 15 गुणा में कितना हो जाएगा 30, माइनस में माइनस 30 हो जाएगा। अब बच्चों जब ये माइनस 30 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहां पर अच्छा चलिए इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो ध्यान दीजिए 9.0 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और बटे में ये हो जाएगा 16 और ये माइनस 30 जब ऊपर चला जाएगा तो जब माइनस 13 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, यानी कि 10 के घात माइनस 29 आगुणे 10 के घात 30, तो 29 इस 30 में से घट जाएगा तो केवल यहां पर कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, तो जब 10 बचेगा तो 9.0 गुणे 1.6 गुणे 10 बचा है इसको हल करने पर, इतने को हल हम करेंगे तो 30 में से 29 घट जाएगा तो केवल 10 होगा, यानी कि 10 का घात 1 और 10 का घात 1 माने कितना 10, तो 10 बचा और 10 का 1.6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और बटे में 16 ये कैंसिल हो गया और 1.6 से 9.0 में गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो 1. या गुणा करके देख लीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 और ये क्या निकाल रहे हैं बल ना, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन, चलिए ऐसे लिख दे न्यूटन, यानी हम लोगों का आंसर कितना बन गया 14.4 न्यूटन। तो लगने वाले बल का परिमाण कितना हो गया, परिमाण 14.4 न्यूटन। और कह रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसकी क्या होगी, रिपल्सन की, यानी कि प्रतिकर्षण, यानी कि 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य में काम करेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुनः अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें इसको। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना कूलाम का आवेश है, उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि वायु में, यानी कि यह पहला आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इनके ऊपर बल की गणना करनी है। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ये कूलाम में दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि Q1 बराबर Q2 बराबर मान दे दिया है और पूछ रहा है कि इनके बीच का बल कितना होगा, तो सूत्र हम लोग जानते हैं न्यूटन के नियम से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम से, कूलाम का क्या नियम है, तो कूलाम के नियमानुसार तो F इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2/r2। लेकिन इसमें देखिए कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से, वायु कहाँ है, तो K बराबर कितना रखेंगे 1, तो F बराबर 1/4πε0Q1Q2/r2, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर वायु में निर्वात होगा तो K का मान 1 रखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान होगा 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9
और Q1 Q2 का मान दिया है, Q1 का मान कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और Q2 का मान दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और बटे में आर स्क्वायर। तो R का मान देखिए कितना दिया है, R का मान 30 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए बाकी सब तो MKS पद्धत में है और यह CGS में सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर होगा, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 का 30, इतना ही रहने दीजिए, चलिए कटाने में ठीक रहेगा, आसानी रहेगी, 30 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर। तो अब ये लिख देंगे 30 गुणे 10 के घात माइनस 2 और इसका कितना हो जाएगा वर्ग, हल करेंगे तो 9.0 इंटू 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और गुणे माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 14 और 14 में से 9 चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 के घात माइनस 5 और बटे में ये 30 का गुणा 30 का वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900 और 10 का माइनस 2 का वर्ग कर देंगे तो माइनस चार हो जाएगा। और जब ये माइनस चार है तो इसका 2 जीरो इस माइनस 4 में से 2 को कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9.0 इंटू 6 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और बटे में 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इस 9 से ये कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस 2 होगा और प्लस 2 माइनस 5 में से घट जाएगा तो घटेगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और क्या हो जाएगा न्यूटन का बल कार्य करेगा, इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो अब हम लोग इसको देख लिए कि न्यूटन का बल काम किया, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे विद्यार्थियों आप बनाएंगे, इसके जो और भी क्वेश्चन है उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे सॉल्व करेंगे और जो भी समस्या होगी आप कमेंट करेंगे अपना नाम और कमेंट करेंगे अपने नाम से अपना नाम लिख करके कमेंट करेंगे ताकि हम समझ सके कि आप वीडियो को देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। और आप अलग से नोट बनाइए, तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके लिए समय नहीं मिलेगा, आप ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ का चैप्टर जो है बहुत बड़ा है और उसको पढ़ेंगे नहीं अगर आप समय व्यतीत करेंगे तो आपका निश्चित नुकसान होगा। तो आप हमेशा जुड़े रहिए MSTM एजुकेशन के साथ और MSTM एजुकेशन पे जितने भी अपलोड वीडियो हैं उन सबको आप देखते रहिए और आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।